हेलो एवरीवन, तो आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जो कनाडा में आ रहे हैं लोग स्टडी वीज़ा पे, या जो स्टूडेंट्स कनाडा में आना चाहते हैं, वो ट्वेल्थ के बाद आना बेटर रहेगा या ग्रेजुएशन के बाद। देखो यार, मैं ट्वेल्थ के बाद आया था। मेरा सैनिका कॉलेज है, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ मैं सैनिका कॉलेज में, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो मतलब मेरे को 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है यहाँ पे आए हुए। बट अब आपके लिए क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं अच्छा रहेगा, देखो वो पूरा आप पे डिपेंड है यार। अगर आप ट्वेल्थ में, अगर आप अभी आना चाहते हो, तो मैं अगर बोलूँगा कि नहीं, और उससे आप रुकने नहीं वाले, दैट्स मतलब ये बात सही है, राइट? क्योंकि बट अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो, तो अगर आप ये सुनना चाहते हो कि हाँ भी ग्रेजुएशन के बाद आना थोड़ा ज़्यादा बेटर है या नहीं बेटर, जो भी है वो मैं पूरी इस वीडियो में कवर करूँगा। मतलब दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलूँगा, और आपका बाद में डिसीजन है कि आपको जैसे भी आना है वो तो आप पे पूरा है। मतलब मैं बोल तो नहीं सकता कि आप अब आओ या तब आओ, बट मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आपको कब आना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ पूरे बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ट्वेल्थ वाले, जो हमारे अभी ट्वेल्थ में है या जो ट्वेल्थ क्लियर कर चुके हैं, या जो अभी इलेवंथ में है, या जो अभी टेंथ में है। क्योंकि यार मेरे को कई ज़्यादा मैसेज आते हैं कि जो टेंथ में भी हैं वो भी अभी सोच रहे हैं कनाडा आने का, तो वो अभी से ही 2 साल पहले से सोच रहे हैं। तो ये अभी उनकी कैटेगरी है कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। तो जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अभी हैं, अगर आप ट्वेल्थ में, मतलब ट्वेल्थ क्लियर करके आप आइल्स वगैरह दे के 6-7 मंथ्स का जो बीच में गैप रहता है उसको फिल करके आप कनाडा आते हो, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि मतलब एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो पहला एडवांटेज ये है कि आपको अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है? और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर देखा जाए, देखो यार, अगर हम ट्वेल्थ में है ना, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि हमारे यहाँ पे जो बंदे हैं यार वो बड़े ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं, ऐसा कुछ। देखो, जो इंडिया में ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ पढ़ के, मतलब जो भी बंदा कॉलेज जाएगा, राइट, उस बंदे को कॉलेज की फ़ीस घर वाले पे कर रहे हैं। लकीली मतलब सबके ऑलमोस्ट नहीं कर पाते, बट जिनके कर पाते हैं वो घर वाले फीस पे कर रहे हैं। उसके बाद उनको मंथली उनकी पॉकेट मनीज वगैरह मिल रही हैं, सब चीज़ें ठीक है, राइट? बट सेम, अगर वही सेम एस्पेक्ट इधर देख लिया जाए कनाडा में, तो कनाडा में ट्वेल्थ के बाद हम आए, हम यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना अर्न कर रहे हैं, हम यहाँ पे मतलब चलो मैं तो अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि यार ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे कई ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि हमें एक तो मनी मैनेज करना आ जाता है, अपना टाइम मैनेज करना आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब सिर पे आती हैं तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब खाना बनाना वगैरह मैंने कहा इंडिया में कभी ज़्यादा बनाया नहीं, बट अब इधर रोज़ बनाना पड़ता है। तो ये मतलब एक चीज़ है कि एक्सपोजर मिल जाता है, और ये एक्सपोजर ट्वेल्थ के बाद इसलिए मिलता है क्योंकि अर्ली बंदा अभी अपनी मतलब 18-19 उम्र होती है, आई गेस मेरी भी 18 ही थी जब मेरी 18 कंप्लीट था मैं, तो उस टाइम जब बाहर आता है बंदा, तो उस टाइम उसकी अर्ली एज में उसको एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि उसको आगे की लाइफ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है? तो ये था पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है एज। देखो, अगर आप यहाँ पे 18 की एज में आ गए, और जिनको पीआर वगैरह लेना है, यार ऑलमोस्ट हर एक ड्रीम होता है कि पीआर कनाडा में, पीआर लेके फिर सिटीजनशिप लेके फिर कनाडा में, राइट? तो देखो, जो आए कनाडा में ट्वेल्थ के बाद, उनकी 18 ईयर्स एज है, उन्होंने 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स या 4 ईयर्स की जो भी स्टडी की, एज आ गई 21, 22 या 20, तो उसके बाद 3 ईयर्स का वर्क परमिट, 24-25 के अंदर आप पीआर हो सकते हो ईजिली, अगर आपके मतलब आपके पॉइंट्स वगैरह क्वालिफाई कर रहे हो आप। ऐसे नहीं कि हर कोई यहाँ पे आके पीआर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सर्टेन क्राइटेरिया जो होता है वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सीआईसी की तरफ से है। तो ये तो होगी दूसरी बात, ठीक है? तो अब आपको पता लग गया कि अगर आप आते हो तो एक अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है, एक मिल जाता है आपको अपॉर्चुनिटी अर्ली एज में पीआर लेने की। क्योंकि अब यही चीज़ मैं ग्रेजुएशन के साथ भी डिस्कस करूंगा पूरी, पर आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई, राइट? अब ये दो चीज़ें थी एडवांटेज, जो मेरे हिसाब से है कि अगर आप डिग्री वगैरह लेके आते हो, जिनके पेरेंट्स यार मतलब वेल टू डू हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं डिग्री, मैं तो कहता हूँ बहुत सही है। और अगर आप डिग्री लेके आते हो तो यहाँ पे तो एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा सही मिलेगी, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वगैरह, यहाँ पे एजुकेशन इंडिया से काफ़ी गुना अच्छा है मेरे को जितना लगता है। बट स्टिल जो डिग्री लेके आ रहे हैं उनका तो ऐसे ही है, 21-22 में वो बैचलर्स उनकी कंप्लीट, देन 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेके वो पिया, ठीक है? अब ये ट्वेल्थ की बात है। तो अब बात करूंगा मैं डिसएडवांटेजेस की, जो ट्वेल्थ की डिसएडवांटेजेस है। देखो यार, जो मैंने बोला अर्ली एज में एक्सपोजर मिलता है, अब यही अर्ली एज में एक्सपोजर जो है ना, ये नेगेटिव भी है इसकी साइड। क्योंकि अगर देखो आप, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो जल्दी 18 की उम्र में, आपको मनी हैंडलिंग इतनी नहीं आती होती, मतलब बंदे के ड्रीम्स होते हैं कुछ, उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मतलब हर एक होता है यार। मेरे को भी होता था जब मैं इंडिया में था, मैंने सोचा था आते ही आई फोर एक्स निकलवाना है, मतलब हर एक होता है मैं मानता हूँ। बट
वो चीज़ बाद में आके पता लगती है, क्योंकि जब जब आप जॉब करते हो आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि वो कैसे मनी अर्न करनी है, मतलब फिर उसके बाद थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाती है, राइट। तो ये चीज़ बुरा पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे आके यार GIC वगैरह $2,000 जो होती है वो उड़ा देते हैं, जो घर वाले ने पैसे दिए होते हैं वो उड़ा देते हैं कई चीज़ों पे। तो वो चीज़ मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अभी इतना माइंड डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो अब ये पहला डिसएडवांटेज आ गया। तो अब मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो है यार PR वगैरह के लिए जिसने ट्राई करना, राइट। अब 12th के बाद अगर कोई 2 years का डिप्लोमा समझ लो कर रहा है, उसके बाद वो अगर 2 years का वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लेता है तो IELTS में भी उसको 777-8 लेना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके पॉइंट्स पूरे होते हैं, और ऑन्टारियो में टोरंटो में तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसमें आओ तो उसमें बेनिफिट है, वो क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ लगी कि यार डिसएडवांटेजेस दो क्या थे और एडवांटेजेस दो क्या थे 12th के बाद आने की। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन। तो हाँ भाई, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो BTech, BCA कौन कौन सी होती है, BTech, BCA, BSc, जो भी मतलब ग्रेजुएशन जो भी बैचलर्स कर चुके हैं, अब उनको सबसे पहले मैं एडवांटेजेस की बात करूँगा। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपकी बैचलर्स हुई है, आपको यहाँ पे मतलब आपकी एजुकेशन का एक बेस बना हुआ है, कि आपको पता है कि आप क्या चीज़ में आपका इंटरेस्ट है क्या नहीं है, मतलब जिनको जिन्होंने यार पढ़ाई की तरफ फोकस रखा होगा, राइट, उनको पता है। अब उनको यहाँ पे आके उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, और उनको ऑलरेडी 4-3 साल में जो उन्होंने बैचलर्स पढ़ी है उसके कई सारे चीज़ें कंसेप्ट उनके हैं। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपका यार आप थोड़ा यूजुअली बंदा मैच्योर हो गया होता है बैचलर्स तक, क्योंकि उसको पता होता है कि यार जॉब वगैरह ढूंढनी कितनी मुश्किल है, और अगर किसी ने जॉब की भी हो तो उनको पता है कि यार इंडिया में सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, जो NITs IIT से पढ़े हैं उनको तो अलग बात है, बट जो नॉर्मल कॉलेज से मोस्टली लोग पढ़े हैं उनको पता होता है कि यार इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, राइट। तो उसके लिए उनको मनी हैंडलिंग स्किल्स आ जाती है, उनको पता लग जाता है कि अब कैसे एक्सपेंस को मैनेज करना है, और अपने मतलब सारी चीज़ों का मतलब पता लग जाता है कि फाइनेंसिस के बारे में थोड़ी एजुकेशन हो जाती है। तो ये था दूसरा एडवांटेज। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है जो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, कई ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं ग्रेजुएशन करके यहाँ मास्टर या पोस्ट या डिप्लोमा करके जॉब एक्सपीरियंस लेके और PR हो जाते हैं। अब उसमें फ़ायदा ये है, जो 12th होती है वो 12th के बाद PR के पॉइंट्स पूरे होना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन। आपके पास बैचलर्स है, आपके पॉइंट्स ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 12th वाले से, जो 12th वाले स्टूडेंट्स होंगे। और जो दूसरी पॉइंट है, यहाँ पे भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर मास्टर्स करोगे उसके पॉइंट्स एड अप होके इजिली जॉब मिल जाएगी आपको थोड़ी, क्योंकि आपके पास बैचलर्स है, और अगर आप एक्सपीरियंस शो करते हो तो वो और इजिली थोड़ी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, इफ़ आई एम द एम्प्लॉयर आई विल ऑलवेज हायर द पर्सन हु हैज़ मोर एक्सपीरियंस, राइट। बट यही चीज़ यहाँ पे ही काम आती है कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको थोड़ा सा एडिड बेनिफिट हो जाता है। और जो ये सारी थी एडवांटेजेस जो आपको मैंने पूरी बता दी, अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की। तो एज फार एज आई एम कंसर्न डिसएडवांटेजेस तो बस एक ही है, वो है एज का। अब आपकी थोड़ी सी एज मतलब जैसे आप 18 में आप ग्रेजुएट हुए हो, और 18 में आप 12th पास किया आपने, और उसके बाद आप 4 साल की डिग्री करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 22 होगी। तो 23-24 तक अगर आप यहाँ आते हो तो 24 से दोबारा पूरी साइकिल शुरू करना पड़ता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा ना, 2 years पढ़ाई, फिर उसके बाद 2 years वर्क परमिट, फिर वो, तो थोड़ा सा PR का प्रोसेस एक्सटेंड हो जाता है उस वे में, थोड़ी प्रोसेस जो होता है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि 24 से 28-29 तक पहुंच जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ डिसएडवांटेज है, बट ये डिपेंड करता है आपको यार आपने किस लाइफ मतलब अपनी लाइफ में किस एज में सेट होना सोचा हुआ कि मैं इस एज तक अपना वेल टू डू अर्न कर पाऊंगा या मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, तो उस हिसाब से ये चीज़ है। तो यही थी यार पूरी 12th की बात और ग्रेजुएशन की बात, दोनों के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। तो आपको यार मैंने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, अब आप पे पूरा चुनना है। अब बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। तो मैं अभी यहाँ पे 1.5 साल से हूँ, मेरी जॉब भी मतलब ठीक ठाक कर रहा हूँ, मैंने फीस भी वगैरह खुद जैसे मैंने बताया था फीस भी निकाल ली वगैरह सब कुछ, बट मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद आया होता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि तब मेरे को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू अगर PR वगैरह के तरीके में जाना, राइट। अभी मुझे इस टाइम PR वगैरह का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ खाली, मैं ना ही उस टाइम उसका उतना सोचता हूँ, खाली PR होने तक का तो बड़ी दूर की बात है, सबसे पहले अपनी स्टूडेंट लाइफ खत्म करो उसके बाद बाकी देखा है। तो यही चीज़ है कि अगर आप मैं ये सोचता हूँ अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद आया होता तो थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होता, तो बस यही था। और मैं अभी भी चूज़ करता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आऊँ, बट अगर यही चीज़ मुझे कोई 12th के एंड में समझाता कि यार तू ग्रेजुएशन के बाद जा तो मैं शायद नहीं सुनता,
राइट, क्योंकि उस टाइम पे वो डेढ़ साल जो बीच में गैप आ चुके मेरी माइंड थिंकिंग में, वो भी बहुत चेंज है राइट. अब ऐसा नहीं है कि मैं उस ट्वेल्थ वाले के पास जाऊँ उस टाइम, मतलब अगर कोई मेरा बड़ा भाई बोलता या मेरी एज में कोई फ्रेंड होता जो इस टाइम इंडिया में होता, मैंने उधर ट्वेल्थ पास कर ली होती कि तू ग्रेजुएशन के बाद आना, तो मैं नहीं बोलता, मैंने कहा नहीं यार मैंने तो अभी जाना है, जल्दी जाएंगे जल्दी सेट होंगे राइट. तो वही थिंकिंग है, वो सबकी थिंकिंग वही रहती है, बट मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद आना थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है. और लास्ट जो मैं बात करना चाहूँगा यार, देखो अभी कनाडा अलो कर रहा है आने के लिए, बट क्या पता 4 साल बाद ना करे. तो मतलब मुझे ये चीज़ भी अगर आपको देख के सोचनी चाहिए कि अगर आप ट्वेल्थ में, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आऊँगा, मतलब मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा यार कि अब आप ये कर जाओ, मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में ना हो यार आप मेरी बात सुन के 4 साल वेट भी करो बट बाद में कनाडा इमिग्रेशन, कनेडियन इमिग्रेशन जो है वो थोड़े से रूल्स चेंज कर दे राइट. तो वो चीज़, तो मतलब पूरी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या मेरा ओपिनियन है. अब यार पूरा आप पे, आपने कैसे इसको मतलब सोचना है और कैसे अपनी डिसीजंस लेने हैं. तो मेरे हिसाब से तो यार मैंने अपनी तरफ से आपको सब बता दिया. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा आने का सोच रहे हैं. और सबसे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं आगे. और लास्ट चीज़ यार मेरे को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पे लोग मुझे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे इजीली शाम को, रोज़ मैंने टाइम रखा हुआ उस टाइम, मैं सारे डीएम्स का रिप्लाई कर देता हूँ. रोज़ 22-25 डीएम्स आते हैं, मैं सारे का रिप्लाई कर देता हूँ. तो यही था आज की वीडियो के लिए यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच.